Hey everyone, I hope you all are safe and doing good. So we are done with our C programming videos. We have completed that course and now we'll start a new course, maybe C++. Now before starting a new subject, I thought let me just read out some comments and let's just make a comment box video. Okay, now let's read out. First is, see, this comment I have read many times. Don't call me Memsahib, it's just Jenny. I think it's a dialogue in this movie, RRR movie, because maine ye movie dekhi nahi hai, so mujhe nahi pata. बट ये कमेंट मैंने बहुत बार देखा है, सो मुझे लगा इसको इंक्लूड करना चाहिए था, है ना? ये RRR मूवी में डायलॉग है ना, आई विल वॉच दिस मूवी. एक दूसरा भी है, अनदर डायलॉग इज वॉट दैट आई थिंक KGF चैप्टर 2 मूवीज का, वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस. आई हेट वॉयलेंस, आई अवॉइड, बट वॉयलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड. ये भी बहुत कमेंट बॉक्स में आता है और इवन इंस्टाग्राम पे मीम्स जो बनते हैं उसमें भी मैंने बहुत बार देखा है. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑन स्टोरीज क्लासेस मेक वन मोर वीडियो. विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू वॉन्ट डियर? मे बी यू कैन सेंड मी सम स्पेसिफिक क्वेश्चन और प्रॉब्लम सो दैट आई कैन अपलोड दोज वीडियोज, इवन आई कैन अपलोड सोल्यूशन फॉर दोज क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज मैम आपका बिहाइंड द सीन वाला वीडियो पूरा वायरल हो गया. यही वायरल करना आप लोग, पढ़ाई की वीडियो है, जो काम की वीडियो है उनको तो वायरल करते नहीं हो, है ना? या खुशी मिलती है जब आपकी वीडियो वायरल होती है, बट सी मेन काम क्या है मेरा? पढ़ाना. जो काम की वीडियोज हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, वो वीडियो अगर वायरल होती है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है ना. वायरल होता है तो कोई बात नहीं, खुशी तो होती ही है. सो काम वाली वीडियो जो है सब्जेक्ट वाली, उनको भी तो वायरल करो ना. बट नहीं, वो वीडियो आपको ज़रूर वायरल करनी है, बिहाइंड द सीन वाली, एक्सप्रेशन वाली, एक्सप्रेशन क्वीन. मैंने देखे हैं रील्स इंस्टाग्राम पे बहुत सारी. नेक्स्ट इज व्हाई डू यू यूज योर हैंड टू रिमूव द वर्ड्स? ओके, ऑन दिस सी यार, जब पढ़ाते हैं ना तो एक वो फ्लो बन जाता है, उस टाइम पे पता नहीं रहता आपके हाथ में मार्कर सॉरी डस्टर है या नहीं है. एक वो फ्लो में जब आप ना पैशन होता है ना पढ़ाने का, उस टाइम पे पता नहीं चलता, फिर जो भी है फटाफट रिमूव कर देते, इतना नहीं कि चलो डस्टर उठाओ रिमूव करो एंड ऑल. सो एक थोड़ा वो है उस टाइम पे ना, पता नहीं चलता कि डस्टर से रिमूव कर अब कर रही है या हैंड से रिमूव कर रहे हैं. बट आई थिंक इट्स नॉट अ गुड हैबिट हैंड से रिमूव करना. मैं आगे से डस्टर से ही रिमूव करूँगी, मैं ध्यान रखूँगी इसका. ओके, नेक्स्ट इज मैम आर यू फ्रॉम गुड़गांव? फ्रॉम विच लोकेलिटी? वाओ मैम, आई एम ऑल्सो फ्रॉम गुड़गांव. मतलब क्वेश्चन में भी आंसर भी है, वाओ मैम, है ना? शिवानी शर्मा, या आई एम फ्रॉम गुड़गांव. विच लोकेलिटी? तो कोई बात नहीं, आप अगर आप भी गुड़गांव से हो तो कभी मिल जाएंगे इधर उधर. बिकॉज कुछ दिन पहले मैंने एक कमेंट पढ़ा था, आई सो यू मैम इन अ मॉल, कुछ स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, उनका कमेंट आया हुआ था. सो डोंट वरी, डेयर विल मीट सम टाइम. जब भी आप मॉल वॉल में घूमने जाओगे ना, देख लेना आसपास कहीं मैम तो नहीं है. प्लीज़ से व्हाट इज़ योर टोटल इन 12th? 12th में इट वॉज GPA एंड 9.4. मैम बाल खोल के पढ़ाएं और समझ में अच्छा आएगा. हर्षित कुमार वर्मा, तुम पढ़ने ही आते हो ना? बिकॉज आई डाउट. आप जैसी गुरु को कैलाश पर्वत से शत शत प्रणाम. हर हर महादेव. शिव नाम भी शिव है. कैलाश पर्वत पे सब ठीक? और माता पार्वती कैसी हैं? नेक्स्ट इज एनीवे, नेक्स्ट इज हेयर आई सेव्ड माई फ्यूचर. यू आर वेलकम. नेक्स्ट, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द रॉयल मैकेनिकल स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट. आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ स्पेशली मैकेनिकल स्टूडेंट्स, जब उनको सी पढ़नी पड़ती है. आई थिंक यू आर इन मे बी फर्स्ट ईयर, है ना? फर्स्ट सेमेस्टर में सी होती है. बिकॉज मैं भी जब जयपुर में थी, जब असिस्टेंट प्रोफेसर जब पूर्णिमा कॉलेज में, सो मैं सिविल और मैकेनिकल, मुझे दो ही ब्रांच मिली थी फर्स्ट ईयर के पढ़ाने को, सी प्रोग्रामिंग. ओ माय गॉड, मुझे पता है मैंने कैसे पढ़ाया था उनको. एक तो वैसे भी सिविल और मैकेनिकल वाले बच्चों को सी पढ़ाना ना, CS वाले ही जो फर्स्ट ईयर में होते हैं उनको ही सी नहीं समझ आती, वो तो सिविल और मैकेनिकल के हैं वैसे भी. सो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, बट समझ आ रहा है अगर तभी आप थैंक्स बोल रहे हो. ये वेलकम. Thank you so much for your lectures, ma'am. I'm studying BE Computer Science first year. I have great trouble in understanding everything, but now you have cleared all my worries. Thank you so much. This thing I want,
ना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से, फर्स्ट सेमेस्टर के, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से जब मुझे ऐसे कमेंट मिलते हैं ना सी प्रोग्रामिंग पे, और ऐसे एकदम से बहुत अंदर से खुशी मिलती है, बिकॉज मैं मेरा एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ कि फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी क्या प्रोग्राम लिखना है, क्या करना है। बस कुछ प्रोग्राम रट लेते थे, कुछ लॉजिक ठीक है याद कर लेते थे, ऐसे ही चल रहा था तब उस टाइम पर। बट अभी अगर आपको ना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को समझ आता है ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है अंदर से। यू आर वेलकम डियर। ओ माई गॉड, कैन यू प्लीज़ चेंज द वे यू लेक्चर? यू कैन यूज़ एप्पल टैब और समथिंग राइट, बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल, आई कैन टेक माई आईज ऑफ यू, सो डिस्ट्रैक्टिंग। एप्पल, ओके, मुझे रीड मोर करना चाहिए था, बट एनी वेज इसमें कुछ ज़्यादा होगा नहीं आगे। स्पेशली थिंग इज एप्पल टैब और समथिंग, कुछ और भी नहीं, एप्पल यूज़ करो। एप्पल लेने की अभी फुर्सत नहीं है, अभी अपने पास HP और ASUS, बस उन्हीं से काम चल रहा है। एप्पल भी ले लेंगे जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुँच जाएंगे। आपका सपोर्ट अगर रहा तो 1 मिलियन भी पहुँच जाएंगे, उसके बाद एप्पल टैब और समथिंग राइट ऐसा कुछ यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आई विल नॉट शो माई फेस एट दैट टाइम। इसका सेकेंड पार्ट बनाओ मैम, या दिस कमेंट वॉज ऑन फंक्शन वीडियो, फंक्शन पार्ट 1, भाई की व्लॉग्स। भाई सारे पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं, अब देखो तो सही एक बार। सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई, अभी आप कह रहे हो उसका सेकेंड पार्ट बनाओ। मैम प्लीज़ चेंज द थंबनेल एंड रिमूव दैट एक्सप्रेशन, आई लिटरली स्केयर्ड सीइंग दैट थंबनेल एट नाइट 1 PM, प्लीज़। वो तो ठीक है, बट रात को 1 बजे आप शॉर्ट्स क्यों देख रहे हो भाई? मैम यू आर सो स्वीट, लव यू मैम। एंड एक और बात मैम, लड़की हूँ, लड़का नहीं, मेरे भाई की आईडी है ये। सो स्वीट ऑफ यू डियर, लव यू। आप मेकअप करके कैमरे के सामने आना छोड़ दो, सबका कमेंट बदल जाएगा। सी तो कहाँ से आप लोगों को मेकअप दिखता है यार, सनस्क्रीन लगाई हुई है बस। सब सनस्क्रीन भी ना लगाएं गर्मियों में, हाँ टैनिंग और पिगमेंटेशन हो जाएगी फिर तो। कम से कम सनस्क्रीन तो लगाए ही ना इंसान, है ना। वैसलीन लगा ली तो बस, लिप बाम भी नहीं है इवन, वैसलीन। क्या यार, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। मैम आई एम डूइंग लो बट आई डोंट नो व्हाई आई एम हेयर। एक बात तो लो का जब भी नाम आता है ना, मुझे सीरियसली फ्लाइंग बीस्ट की याद आ जाती है। बट एनी वे आई डोंट नो व्हाई आई एम हेयर, बट आई नो Why you are here? मैम आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है? ये लो। मतलब भाई साहब हम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं यहाँ, इनको पता ही नहीं है भाई साहब को कि सोशल मीडिया अकाउंट है कि नहीं है क्या। ओ भाई साहब खतरनाक, क्या पढ़ाती हैं मैम, एक बार मेरे दिमाग में हिट कर गया, थैंक यू सो मच। ओ भाई साहब खतरनाक, क्या कमेंट है, आई लाइक दिस कमेंट, यू आर वेलकम। सो दैट्स इट, एंड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बट नो सबको रीड करने का ऐसे टाइम नहीं होता है कि उन पर वीडियो बनाओ। सो कुछ ऐसे ही कमेंट सेलेक्ट करके जस्ट फॉर फन मैंने ये वीडियो बना लिया, ठीक है। सो मे बी नेक्स्ट टाइम आपका नंबर आ जाएगा कमेंट सेक्शन की जब वीडियो बनेगी तब, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो नाउ, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।